वेलकम बैक स्टूडेंट स्टूडेंट आगे के लेक्चर में हमने क्वेश्चन 23 का डिस्कशन किया था। ओके, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन था वो भी, और ये भी इसके जैसा है पर थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, ध्यान से देखना इसको भी, ये भी आईयूपी ही क्वेश्चन है। तो देखो हमें क्या बताना है, शो दैट द राइट सर्कुलर कॉन, एक राइट सर्कुलर कॉन गिवन है। ओके, और उसका हमें जो कवर्ड सर्फेस है ना वो लिस्ट बताना है। कवर्ड सरफेस एरिया, उसको हमें क्या बताना है, लिस्ट बताना है, यानी कि हमें मिनिमाइज करना है उसको। ओके, मिनिमाइज बताना है। अब देखो यहाँ और क्या है अभी गिवन, देखो वॉल्यूम गिवन है किसका, कौन का। ओके, ये चीज गिवन है। ओके, ये चीज गिवन है। अब देखो ये वॉल्यूम गिवन है और हमें एक चीज और बतानी है कि अल्टीट्यूड इक्वल टू रूट टू टाइम्स रेडियस। अल्टीट्यूड यानी क्या होता है, इसको आप हाइट भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, हाइट भी बोल सकते हो। ओके, अल्टीट्यूड यानी ऊंचाई, और वो इक्वल टू है रूट टू टाइम रेडियस। ओके, ऑफ द बेस, बेस की जो रेडियस है उसको रूट टू टाइम आप मल्टीप्लाई करो तो ये हाइट के इक्वल होगी। इसका मतलब देखो फिगर से हम थोड़ा सा समझते हैं कि अगर हमारे पास एक कोण गिवन है, ओके, राइट सर्कुलर कोण गिवन है। अब देखो ये इसकी रेडियस होती है आर, यहां से यहां तक, और ये जो चीज होती है वो हाइट होती है। ओके, और ये एल हम बोलते हैं ऑलवेज, वो आपको पता है। तो हमें बताना है कि ये जो इसका सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया उसको हमें मिनिमाइज करना है। ओके, दूसरी बात हमें ये बतानी है कि इसकी हाइट है, हाइट यानी एच, वो किसके इक्वल है, तो रूट टू टाइम्स रेडियस ऑफ बेस। बेस की जो रेडियस है, ये हमारा बेस पार्ट है ना, तो उसकी रेडियस यानी आर है, उसको आप रूट टू टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो ये चीज हो जाएगी। ये हमें बताना है, आई बात समझ में। ओके, चलो अब पहले क्या करते हैं कि इस सरफेस एरिया को मिनिमाइज बताते हैं इस पॉइंट पे। ओके, और ये पॉइंट निकाल देते हैं, चलो सॉल्यूशन करते हैं। तो भाई गिवन पार्ट है वो पहले लिखेंगे, तो गिवन पार्ट मैंने यहाँ राइट करके लिखा, क्या गिवन है, वॉल्यूम है, किसका वॉल्यूम है, कौन का वॉल्यूम है। तो हमें पहली बात तो पता होनी चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ कोण क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोण v इज इक्वल टू क्या होता है भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। ये हमें एक चीज गिवन है। अब हमें सरफेस एरिया है वो मिनिमाइज करना है, इसका मतलब हमें इसका सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो हमें पता है कि सरफेस जो कोण है, कोण का सरफेस क्या होता है भाई, सरफेस ऑफ कोण, कोण का जो सरफेस है वो s इज इक्वल टू होता है पाई आर एल। ओके, क्या होता है, पाई आर एल। अब ध्यान से देखो भाई, इसको ध्यान से देखो कि हमें s को मिनिमाइज, मतलब सरफेस को मिनिमाइज करना है, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो डेरिवेटिव r के रिस्पेक्ट में निकाले कि l के रिस्पेक्ट में निकाले, है ना, क्योंकि पाई तो कांस्टेंट है, रेडियस भी आपकी बदल सकती है यहाँ, और या आप रेडियस बदलोगे तो उसके अकॉर्डिंग एल भी बदलेगा। ओके, तो ये तो प्रॉब्लम हो गया। तो एक काम करते हैं, एल की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, देखो इस जो हमारा ट्राइंगल बन रहा है ना यहाँ, इसको पे हम अगर पाइथागोरस थियोरम अप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये हाइपोटेनस है तो ये एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर हो जाएगा। ओके, क्लियर ना। तो फिगर देखो, और फिगर के ऊपर से हम यहां लिख सकते हैं, यानी कि एल की जगह क्या लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू पाई आर, एल की जगह आ जाएगा एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। ओके, और इसका स्क्वेयर रूट निकालेगा। अगर आप एक बार करो कि स्क्वेयर कर दो इसका, अब अगर आप स्क्वेयर करोगे तो स्क्वेयर रूट निकल जाएगा, यानी यहां हो जाएगा पाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर, और यहां हो जाएगा एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। अब फिर से आपको डिवाइड करना है इसका, तो अब इसका डिवाइड आप करोगे तो फिर से प्रॉब्लम आ गया कि भाई आर के रिस्पेक्ट में करोगे कि एच के रिस्पेक्ट में करोगे, क्योंकि ये दोनों देखो जो हमारे पास राशि है चेंज होती है। देखो ये आर भी चेंज होता है और ये एच भी चेंज होता है ना, आर भी चेंज होता है और एच भी चेंज होता है। इसका मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा, एच का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कि जैसे करके आर में आ जाए। तब ध्यान से देखो इस चीज को, यहां से मुझे h मिलेगा तो इस 3 को यहां मल्टीप्लाई कर दो, यानी ये हो जाएगा 3v, और ये सारा पार्ट है वो यहां आ जाएगा पाई
आर स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मिलेगा एच, क्या मिलेगा एच, इस एच को भी यहाँ पुट कर दो, ओके वो आप थोड़ा सा जो आपको लिखना है वो लिख लेना कि यहाँ पर पाइथागोरस अप्लाई किया और यहाँ इस चीज़ को यहाँ मैंने रख दिया, ये मैं चीज़ नहीं लिखता क्योंकि ये अभी क्वेश्चन लंबा ही है, क्योंकि देखो अभी तो हम फंक्शन बना रहे हैं, है ना। अब इस ए स्क्वायर को एक काम करो, आप कोई नया नाम दे दो जेड, क्योंकि हमें डेरिवेटिव करना है तो ए स्क्वायर का नहीं चलेगा, जेड का ही लेना पड़ेगा, या तो कोई भी आप अपने तरीके से नंबर दे दो। ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, और यहाँ देखो एच है और यहाँ हमारे पास एच स्क्वायर है, इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो थ्री का नाइन हो जाएगा, वी का वी स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में पाई का पाई स्क्वायर हो जाएगा, आर की पावर फोर हो जाएगी, प्लस यहाँ होगा आर स्क्वायर, ओके। चलो अब यहाँ देखो कुछ ना कुछ करते हैं, जेड इज इक्वल टू इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो जेड इज इक्वल टू यहाँ से देखो पाई स्क्वायर के साथ कट हो जाएगा, तो यहाँ आर स्क्वायर, यहाँ आर की पावर टू हो जाएगी, यानी कि यहाँ बचेगा नाइन वी स्क्वायर अपॉन आर की पावर फोर, सॉरी आर की पावर टू, ओके, और यहाँ हो जाएगा पाई स्क्वायर और आर की पावर फोर, ओके, ये ऐसा कुछ हो जाएगा। चलो अब देखो, अब तो आपको आर स्क्वायर में या तो आर वेरिएबल में दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम देखो गिवन है, इसका मतलब वॉल्यूम तो कॉन्स्टेंट है ना, तो आपको एक ही वेरिएबल अब नजर आता है, वो है आर, तो अब क्या करेंगे, इसको आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे, तो चलो करो डेरिवेटिव, तो यहां करेंगे हम बीजे अपॉन बिया, देखो यहां हमें अल्टीमेटली हमारा फंक्शन मिला है, बस समझ में, आगे के जो हमारे पास क्वेश्चन थे ना उसमें हमें कंप्लीट फंक्शन गिवन था, और यहां हमें क्या बनाना पड़ता है फंक्शन, ओके, और जो भी फंक्शन बनाने वाले क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन आईएमपी है, कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपके पेपर में आपको मिलने वाला ही है, ध्यान रखना बात, ओके। तो देखो इसको हम आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो ये हो जाएगा इसको देखो नाइन वी स्क्वायर, वो तो कॉन्स्टेंट है, और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, वो ये होता है माइनस टू अपॉन आर क्यूब, है ना, प्लस यहाँ हो जाएगा पाई स्क्वायर, और आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा फोर आर क्यूब, ओके, मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया। अब यहाँ देखो कि अगर मुझे आर स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है d बाई डी आर के रिस्पेक्ट में, तो मैं क्या करूँगा d बाई डी आर लिखूंगा, और यहाँ r को ऊपर ले जाऊंगा तो r की पावर होगी वो माइनस हो जाएगी, ओके। और डेरिवेटिव में ये होता है कि जो भी पावर है वो आगे आती है, यानी कि माइनस टू आगे आ जाएगा और उसकी पावर में से एक कम होगा, यानी माइनस टू था उसमें से भी मैं माइनस वन करूँगा, यानी ये हो जाएगा माइनस आर क्यूब, और इसको मैं लिखूंगा माइनस टू बाई आर क्यूब, ओके, यही चीज मैंने यहाँ की, ओके। ये सब कुछ आप लिखने जाओगे तो कोई प्रॉब्लम मतलब ज्यादा पोर्शन आ जाएगा, ओके, तो इस चीज को मैं हटा देता हूँ, ओके, आप लिख लेना। अब देखो चलो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे सा अच्छा वाला लिख देता हूँ, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा डीजे अपॉन डी आर इज इक्वल टू इस चीज को मैं जो पॉजिटिव है ना उसको मैं आगे लिख देता हूँ, वो है हमारे पास फोर पाई स्क्वायर और आर क्यूब है, तो ये माइनस नाइन टू जो 18 वी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, वी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब है, ओके। चलो अब हमें क्या करना है अभी कि फर्स्ट तो हमें पॉइंट निकालना है, फर्स्ट हमें क्या निकालना है पॉइंट निकालना है, या तो आर का पॉइंट निकालना है, ओके। तो अब ध्यान से देखो आर का पॉइंट निकालने के लिए सरफेस हमारा मिनिमाइज करने के लिए हम लेते हैं dz upon dr इज इक्वल टू जीरो, और वो हमें मिलेगा फोर पाई स्क्वायर आर क्यूब माइनस 18 वी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू जीरो, और इस पार्ट को मैं राइट हैंड साइड भेज देता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा फोर पाई स्क्वायर आर क्यूब इज इक्वल टू 18 वी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, ओके। चलो अब एक काम कर देता हूँ, क्या क्योंकि हमारे पास v की वैल्यू गिवन है, देखो अभी तक के हमारे क्वेश्चन में कहाँ पर भी यहाँ हम वैल्यू नहीं रखते थे, अब थोड़ा सा सोचना, अभी तक हमारा ये जो भी क्वेश्चन मिलता था वहाँ हम यहाँ डायरेक्ट या तो x की या तो r की या तो h की कोई भी अगर हमारे पास वेरिएबल है तो हम उस वेरिएबल की डायरेक्ट वैल्यू निकाल देते थे,
पर अभी तक हमने ये यहाँ मेरे पास क्योंकि वॉल्यूम ऑलवेज ऑलरेडी है तो मैं वॉल्यूम रखूंगा यहाँ, है ना, तो मुझे पर्टिकुलर कंप्लीट आंसर मिलेगा, आई विल समझ में, ओके। तब देखो वॉल्यूम हम रखते हैं क्योंकि वॉल्यूम यहाँ है, देखो ओके। तो ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 4π² r³ = 18 बार r³, और वॉल्यूम का हमें स्क्वेयर करना है तो यहाँ इसका स्क्वेयर करो तो ये हो जाएगा 1/9, ये हो जाएगा पाई स्क्वेयर, ओके। आर स्क्वेयर का क्या हो जाएगा r⁴, तो यह एच स्क्वेयर, एच का क्या हो जाएगा एच स्क्वेयर हो जाएगा, यही बात समझ में। ये यहाँ से नया है, थोड़ा सा नया है, ओके, न्यू है यहाँ से। अब देखो यहाँ जो भी कट होता है वो करो, आर क्यूब और ये आर r⁴, यानी कि यहाँ आर बचा, ओके। यहाँ से देखो पाई स्क्वेयर और ये पाई स्क्वेयर कैंसिल हो गया, ये 9² जा हो गया, ओके। अब यहाँ से कुछ भी कट होता है, हाँ यहाँ से एक आर बचा वो यहाँ कट कर दो, यानी यहाँ 2 बचा। अब कुछ भी बचता है भाई, यहाँ मुझे ओके यहाँ 2 है ना, तो 2² = 4 हो जाएगा, तो यहाँ हमें 2r⁴ मिला और यहाँ हमें h मिला, यहाँ हमें h स्क्वेयर मिला, ओके। अब दोनों साइड अब स्क्वेयर रूट निकालो तो ये 2 का स्क्वेयर रूट होगा √2, r का हो जाएगा r और यहाँ हो जाएगा h। एक बात बताओ तो मुझे, ये तो हमें बताना था कि नहीं, यही तो हमें भाई प्रूफ करना था, है ना, यही तो हमें प्रूफ करना था। अब आप एक बात सोचो, एक बात सोचो कि हम जब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते थे और उस फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के लिए हम जो भी या तो r की या तो x की जो भी वैल्यू निकालते थे, उस वैल्यू पे हम या तो हमें वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है, वॉल्यूम मिनिमाइज करना है, तो वो हम चेक करते थे कि भाई इस पॉइंट पे हमें वॉल्यूम वो मैक्सिमाइज मिल रहा है कि मिनिमाइज मिल रहा है ना। तो यहाँ तो ऑलवेज हमें आंसर मिल गया, ध्यान से देखो हमें यहाँ आंसर मिल गया। अब हमें कुछ भी नहीं करना, अब हमें खाली करना है सरफेस को मिनिमाइज करना है, सरफेस को क्या करना है मिनिमाइज करना है, क्योंकि हमें ऑलरेडी आंसर मिल गया जो हमें निकालना था, ओके। चलो तो अब हम सरफेस मिनिमाइज करते हैं, और सरफेस मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, हम ये करेंगे कि हमारा जो डबल डेरिवेटिव आया, यहाँ देखो ये डबल डेरिवेटिव आया, उस सॉरी सिंगल डेरिवेटिव आया उसको हम डबल डेरिवेटिव, चलो तो अब इसका हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, ओके। चलो इस पार्ट को मैं हटा देता हूँ, अब थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना। चलो इसका हम डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, और क्योंकि हमें इसका सरफेस एरिया क्या करना है मिनिमाइज करना है, इसका मतलब हमें इसका डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन बताना पड़ेगा। देखो अब हम करेंगे डबल डेरिवेटिव, यानी d2z/dr² इज इक्वल टू, यहाँ क्या होगा देखो 4π² वो तो कांस्टेंट है, यानी ये 4π² और r³ का आप डेरिवेटिव निकालो तो क्या होगा 3r² हो जाएगा, ओके। और ये माइनस 18v² वो तो कांस्टेंट है 18v², तो ये तो एज इट इज रहेगा, और r³ का क्या हो जाएगा, r³ का हो जाएगा -3 और r⁻⁴, है ना, यानी ये हो जाएगा -r⁴, ओके। ये इसी तरह आ जाएगा, क्लियर। तो अब मैंने आपको अलग से दिखाया था, वो आप करके देख लेना, यही रहेगा। अब देखो d2z/dr² इज इक्वल टू इसका आंसर क्या आता है 4π² और ये क्या होता है सॉरी 12π² और ये r², ओके। और ये माइनस माइनस प्लस, और 18³ क्या होता है 54 होता है v² और अपन में आ जाएगा r⁴, ओके। अब ध्यान से देखो हमारे पास यहाँ से अब r की वैल्यू आप निकालो तो यहाँ r इज इक्वल टू क्या होगा h/√2 होगा कि नहीं, h/√2 क्या होगा √2 होगा, ओके। अब एक काम कर रहे हैं हमें, क्योंकि इस वैल्यू पे हमें निकालना है, तो अगर आप यहाँ d²z/dr² एट पॉइंट r इज इक्वल टू h/√2 पे आप डिफाइन करो तो यहाँ क्या होगा देखो ये 12π² और r की वैल्यू आ जाएगी h²/2, क्योंकि √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, प्लस यहाँ हो जाएगा 54v² अपॉन में r⁴, यानी h⁴ और 2 का √2⁴, यानी ये हो जाएगी 4, है ना, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा।
अब देखो इसका कैलकुलेट करो, तो ये हो जाएगा डी टू जेड अपॉन डी आर स्क्वेयर, आर इज इक्वल टू एच अपॉन रूट टू पे हम डिफाइन फाइंड करते हैं, तो ये हो जाएगा सिक्स, यानी ये हो जाएगा सिक्स पाई स्क्वेयर एच स्क्वेयर प्लस यहाँ हो जाएगा 54, फोर जा कितना होता है भाई 261 होता है ना, चेक कर लो एक बार, 54 जा 200 और 4 जा 16, ओके, और ये वी स्क्वेयर और अपॉन में आ जाएगा h की पावर 4। अब देखो हमें क्या है इसको बताना, ग्रेटर देन बताना है, तो हम देखते हैं कि भाई ये ग्रेटर देन आता है कि नहीं। तो चलो वॉल्यूम हमारा जो है वो तो फिक्स है, ओके, तो ये भी पॉजिटिव है, कभी वॉल्यूम नेगेटिव नहीं होता, ये 216 वो भी ग्रेटर देन जीरो है। चलो ये क्या है, हाइट है, तो हाइट है ग्रेटर देन जीरो होगा, हाइट क्योंकि नेगेटिव नहीं है, और ये 6 पाई तो ऑलवेज ग्रेटर देन है, और ये भी ग्रेटर देन है, इसका मतलब ये सारा पोर्शन ग्रेटर देन है, तो इसका मतलब हमें डी जेड अपॉन डी आर स्क्वेयर एट पॉइंट आर इज इक्वल टू एच अपॉन रूट टू पे क्या मिला है अभी ग्रेटर देन जीरो। ये ग्रेटर देन जीरो मिल रहा है इसका मतलब हमारा जो कोण का सरफेस एरिया है, कोण का सरफेस एरिया है वो क्या होता है, मिनिमम होता है, क्या होता है, लिस्ट होता है। आई बात समझ में, ओके, लगभग आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।